हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 ट्रायंगल एबीसी, तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। ये ट्रायंगल हमें गिवन है एबीसी, दिस इज डी एंड ये दिस इज पी, ये डी है, ठीक है। अब इसमें ये दोनों ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेल ट्रायंगल्स। इट मीन्स इनकी दो साइड्स इक्वल हैं। ये ए बी सी की होगी और ये होगी डी बी सी की, साइड्स इक्वल आइसोसेल ट्रायंगल होगी। ऑन द सेम बेस बी सी, बेस इनका सेम है। वर्टिसेस हैं ए और डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, शो दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन है हमें ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी डी इक्वल टू सी डी। अब लिखेंगे जो हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। क्लियर? अब देखिए प्रूफ स्टार्ट करेंगे। जोन सी ट्रायंगल्स हमें प्रूफ करनी है वो ले लेते हैं ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। जो गिवन है वो लिखेंगे सबसे पहले ए बी डी एंड ए सी डी। ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन। सेकंड थिंग, ये साइड बी डी इक्वल टू सी डी, दिस इज ऑल्सो गिवन। एंड ए डी इक्वल टू ए डी विच इज कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्करेंट प्रूफ हो गई। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय विच रूल? एस ए एस। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। क्लियर? अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इन सेकंड पार्ट वी गोट अ प्रूफ ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ये हमें क्या करना? प्रूफ। तो यहाँ लिख देंगे कि प्रूफ करना है हमें। क्लियर? तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए लास्ट हमने ट्रायंगल कौन सी इक्वल कॉन्करेंट प्रूव की है? ए बी डी और ए सी डी। अब इसमें हम जब हम ए बी पी ट्रायंगल लेंगे तो इसमें हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। बी पी के बारे में हमें पता नहीं है, छोड़ देंगे, ए पी ले लेंगे। ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन हो जाएगी। अब साइड तो हम ले नहीं सकते, तो हमें इसका मतलब एक एंगल लेना पड़ेगा, एंगल ये लेंगे। क्लियर? एंगल कौन सा ले लेते हैं? ए। अब देखिए ये एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। वाई? ये इक्वल क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाइसिपिसिटी जो हमने लास्ट ट्रायंगल ए बी पी और ए सी डी इक्वल प्रूव की है, मींस कॉन्करेंट प्रूव की है, उसके सारे पार्ट्स हमने कहा इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी उसके इक्वल हो जाएंगे। तो वहां से इक्वल हुआ तो इस एंगल में भी हम ले सकते हैं। और सेकंड थिंग, हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल सी बी हम इक्वल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ए बी और ए सी इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल बनेंगे हमारे सी और बी, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। दोनों में से कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो मैं एंगल ले रही हूँ बी ए पी इक्वल टू सी ए पी बाय सी पी सी टी, ठीक है, जो हमने लास्ट प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग एंगल ले लिया। साइड हमारी कौन सी है? ए बी इक्वल टू ए सी, गिवन है ये हमें। अब इसमें देखिए ये जो ए पी है, ये ए पी इक्वल टू ए पी हो जाएगा। ए पी इक्वल टू ए पी, ये क्या है? कॉमन है, ठीक है। अब हमारी ट्रायंगल कौन सी? ए बी पी कॉन्करेंट हो गई टू ट्रायंगल ए सी पी बाय विच रीजन? साइड एंगल, साइड। क्लियर? तो ये भी क्या हो गया? हमारा प्रूव हो गया सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड, थर्ड में हमें ए पी बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल ए और एंगल डी को।
बाइसेक्ट का मीनिंग टू इक्वल पार्ट्स होते हैं, मींस एंगल 1, 2 इक्वल है एंड एंगल 3 और 4 भी इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, अभी हमने जो ट्रायंगल प्रूव किए ए बी पी और ए सी पी इक्वल प्रूव किया, तो उसमें ये एंगल हमने अभी दिखाया एंगल ए बी ए पी और ए सी ए पी इक्वल है, तो हम यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 मीन्स इक्वल हो गए, तो ये तो हमने यहाँ प्रूव कर ही दिया है। यहाँ प्रूफ लिख देंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एज प्रूव्ड अबव, यहां लिख देंगे एज प्रूव्ड अबव। अब देखिए, एंगल तो ये वाला तो हमारा हो ही गया जो ये हमें दिखाना था बाइसेक्ट, अब डी हमें दिखाना है बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए हमें ट्रायंगल कौन सी लेनी पड़ेगी, ये जो जिस एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, तो वो है हमारी बी डी पी और सी डी पी। इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, अब इसमें देखिए बी डी इक्वल टू सी डी ये हमें गिवन है, क्लियर, और डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन है, क्लियर। अब देखिए एंगल तो हमें प्रूव करना है, तो ये दो मैंने साइड ले ली, अब अगर मैं ये बी सी बी पी लेती हूँ, तीसरी भी साइड ले लेती हूँ, बी पी इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी, वाई बाय सी पी सी टी मैंने क्यों यूज़ किया, अभी हमने यहाँ पे ए बी पी और ए सी पी ट्रायंगल यहाँ प्रूव किए, यहाँ देखिए ये प्रूव किया हमने, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सो बी पी इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कॉन्कोरेंट ट्रायंगल्स हैं तो इनकी जो अदर पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाली दोनों ट्रायंगल्स भी, इसकी ये दोनों साइड्स भी इक्वल होगी, तो इसको मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, तो बस अब हमारी ट्रायंगल बी डी पी यहाँ पे लिख देंगे सो सो ट्रायंगल बी डी पी कॉन्कोरेंट टू ट्रायंगल सी डी एंड पी, क्लियर। रूल क्या है, बाय एस 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 रूल, ये हमारी हो गई। तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्करेंट प्रूव हो गई, इट मींस दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी, ठीक है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम पहले ही बाय सी पी सी टी हम दिखा चुके हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए पी बाय सेक्स, सो वी कैन से ए पी bisects angle A and angle D, clear। अब fourth part देखते हैं, अब fourth part में हमें क्या बताना है, AP, ये AP जो है इस पर perpendicular bisector of BC, सबसे पहले AP perpendicular है, perpendicular means 90 degree का angle है यहाँ भी, और ये bisector of BC means ये BP equal to CP, क्लियर, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो प्रूफ में लिख देंगे बी पी इक्वल टू सी पी। अच्छा, आप प्रूफ लिख लेंगे, इसको प्रूफ क्या करना है वो भी मैं लिख के बता देती हूँ, तो प्रूफ में हम लिख देंगे जो हमें प्रूफ करना है, ये एंगल जो ए पी है वो बाइसेक्टर सॉरी परपेंडिकुलर है, तो इट मींस हमें एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल सी पी ए इक्वल टू 90 डिग्री शो करना है, एंड सेकंड बाइसेक्टर ऑफ बी सी बी पी इक्वल टू सी पी, ये हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हम बी पी इक्वल टू सी पी तो लिख ही देंगे बाय सी पी सी टी एज प्रूव्ड अबव, जो कि हम ऊपर पहले क्वेश्चंस में प्रूव कर चुके हैं, क्लियर। अब देखिए, एक तो पार्ट हमारा हो गया, अब हमें इसको 90 डिग्री दिखाना है, क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री बन जाए, तो हम एक काम करते हैं, जब हम ट्रायंगल ए, ये वाली जो हमारी ट्रायंगल थी ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी को हम प्रूव कर चुके हैं ट्रायंगल ए सी पी के एज प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव की थी, तो हमने लिख दिया ट्रायंगल ए बी पी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी पी एज प्रूव्ड अबव, सो एंगल बी पी ए इक्वल टू आई हो गया एंगल सी पी ए,
बाई सी पी सी टी। अगर ये दो ट्राइंगल्स हमारी कॉन्कुरेंट है तो बाई सी पी सी टी ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स। अब देखिए एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं बाय लीनियर पेयर, टू एंगल्स का सम क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पूरा एंगल का सम 180 के इक्वल हो जाता है। क्लियर, ये हम पहले हमने किया था एग्जाम्पल में। अब देखिए बी पी ए और सी पी ए इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एंगल बी पी ए प्लस एंगल बी पी ए लिख सकती हूँ, यस, क्योंकि सी पी ए भी बी पी ए के इक्वल है। आप चाहें तो सी पी ए को बी पी ए बना दें या फिर बी पी ए की जगह पे सी पी ए लिख सकते हैं, टू सी पी ए भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चलेगा। 180, अब ये टू एंगल बी पी ए इक्वल टू में 180 डिग्री, तो हमारा अब क्या बन जाएगा, ये एंगल बी पी ए इक्वल टू 180 अपॉन टू करेंगे 90 डिग्री हो जाएगा क्रॉस करके। ठीक है, अब देखिए 180 बाय टू करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा एंगल, इट मीन्स क्या बन गया, हमारा एंगल जो है बी पी ए, एंगल बी पी ए इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और सी पी ए और बी पी ए इक्वल है, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज एंगल सी पी ए भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बस सो ए पी इज परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ बी सी, सो वी कैन से बट ए पी इज परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ बी सी। यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन, हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करने थे, ये इसके चार पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन के। होप ये तीनों सॉरी चारों पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू माई स्पेलिस्ट।